fame da fame. Ma no, non ci siamo, no, no. ऑलराइट तो अभी टाइम हो रहा है 9:47 और आज तारीख है 21 मई। बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग करके थोड़ा कैसा लग रहा है बता तो सकता ही नहीं हूँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सच मतलब मैंने व्लॉग करना बंद क्यों कर दिया? अच्छा हाँ, इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में हमारे पास कंटेंट क्या लाए क्या नहीं लाए समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अपने पब्लिक को, अपनी जो मेरी आप लोगों को मैं ऐसी हर कुछ नहीं दिखाना चाहता था कि कुछ भी रिकॉर्ड कर दूँ कुछ भी दिखा दूँ, समझ रहे हो ना, कंटेंट नाम की चीज़ होना चाहिए वरना लोगों का मन भरने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग को थोड़े दिन के लिए रोक के गेम का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से था, ठीक है ना, बचपन से मतलब जब मैं स्कूल जाता था तो भी मैं पापा से कहीं ना कहीं से 5-6 रुपये जुगाड़ करके 5-10 रुपये जुगाड़ करके पीएस पे गेम खेलने के लिए जाया करता था। बट मेरे को लगा कि फिर से गेम खेलना चाहिए, तो अभी लॉकडाउन में करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बताया ना पिछले लॉकडाउन में हमने रोस्टिंग करी थी, बट इस लॉकडाउन में हम रोस्टिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि फैमिली वाले भी हमारा वीडियो देखने लग गए थे। मम्मी बैठे बैठे लेटे लेटे देखती, पापा भी देखते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो सुने कि उनका बेटा कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो इसलिए हमने गेम खेलना चालू किया। अब आज व्लॉग बनाना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है वो आपने टाइटल से देखकर समझ गए होंगे। और आज मैं दोबारा व्लॉगिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा ये खुशखबरी आप लोगों से शेयर करते हुए कि हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में कुछ नए मेंबर्स जुड़ गए हैं मेरे भाइयों। जी हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये जानना है कि वो मेंबर्स कौन हैं। और बहुत ही मतलब आपको भी मज़ा आएगा जब आप उन लोगों से मिलोगे ना, मज़ा आएगा। और अभी हाँ, उलुए पे ज़्यादा ध्यान मत देना मेरे भाई क्योंकि अभी सो के उठा हूँ और सो के उठ के डायरेक्ट मैंने कैमरा उठाया हाथ में, तो बाल लाल को भी ध्यान में मत देना क्योंकि अभी मैं जाऊँगा नहा के आऊँगा, एकदम चकाचक हो जाएंगे, सब कुछ चकाचक हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सो स्वागत है सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका जो सबका भाई शिवम मालवीय और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। बहुत टाइम के बाद ऐसा बोल के ऐसा दिल को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है ना, बता नहीं सकता। तो अभी मैं जाता हूँ ब्रश व्रश करके नहा के आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ और बात करेंगे उस खुशखबरी की, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जो करना है करो यार, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, जो लोग को करना होगा वो करेंगे। ऑलराइट, अभी तक 3:20 हो रहा है तो फेर के, एंड आई नो कि मैं आपसे बहुत पहले मिला था, बट एक्चुअली क्या करूँ, मैं नहाने के लिए गया, नहाया खाया और कुछ काम आ गया और कुछ काम से मैं चला गया और मैं लौट के आया। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई साहब, आप देख रहे हो, मतलब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आया और आके मैं सीधा सो गया, मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। मैं और ये कैमरे का लेंस निकालना क्यों भूल जाता हूँ यार, बहुत शानदार निकालने के चक्कर में टूट ही जाता और अभी लॉकडाउन में मिलता भी नहीं तो और दिक्कत हो जाती। तो मैं घूम के आया और घूम के आने के बाद में भाई साहब एज़ यूजुअल आलस आ रहा है और हम सो गए, ठीक है। और आपको पता है सो गए तो खो गए, सीधी सी बात, तो वही हमारे साथ में हुआ, हम सो गए। अब उठाऊँ मैं 3:20 हो गया, वो भी मैं क्यों उठाऊँ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे को आया फ़ोन, टैटू के रिगार्डिंग फ़ोन था, तो उस वजह से मेरी नींद खुली और नींद खुलने के बाद में अब फिर से हम जा रहे हैं काम से। एक मिनट चली गई, एक्चुअली ऐसा लगता है छींक आ रही है, फिर से लगता है छींक चली गई। पता नहीं क्या सिम्टम सीन होता है लेकिन ऐसा लगता है आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो फालतू की बात बाद में एक काम हो गया, अब दूसरे काम से मैं फिर से जा रहा हूँ। तो फिर मैं सोचा लेकिन अगर शाम हो जाएगी 3:30 तो मैं ऑलरेडी बच गया, आप लोगों से खुशखबरी बताना है मेरे भाई, बिना खुशखबरी बताए वीडियो एंड नहीं होगा, डोंट वरी, खुशखबरी मिलेगी। क्यों रेडी, खुशखबरी मिलेगी ना? मिलेगी जी हाँ, तो खुशखबरी आपको मिलेगी कि अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे क्योंकि मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, बीच रास्ते में आप लोगों से बाकी की इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, ठीक है ना। खुशखबरी जो है वो इस बॉक्स के अंदर है। किसी ने तो गाड़ी गिराई है यार, क्योंकि देखो इसका ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, देखो ये बिल्कुल नीचे चला गया सी, मेरे को देखो मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है जबकि ये इधर आ रहा है, देखो ये इधर और ये अंदर जा रहा है। यार ये टूटा हुआ भी है ना यार, ये किसी ने तो पक्का गिराया है इस गाड़ी को, तभी इसका फुटरेस्ट भी वो था। ये देखो यहाँ पे धूल मिट्टी लगी है यार, अरे यार किसने गिराई यार ये गाड़ी यार। देखो ये वाला फुटरेस्ट भी बंद है और यहाँ पे भी धूल मिट्टी लगी हुई है, सेम यहाँ पे भी धूल मिट्टी लगी हुई है, वरना ये फुटरेस्ट खुला हुआ होता। अरे यार डेंट मार दिया इसकी माँ की आँख, कौन था यार ये या?
अरे यार ये भी पूरा फाड़ दिया। अरे यार ये भी टेढ़ा है, लग रहा है मेरे को कि पीछे किसी ग्राउंड में गिरा दिया। एक साइड कांच भी टेढ़े हैं, क्लच वाला वो लीवर भी टेढ़ा है, ये साइड गाइड पे साइड, मतलब ये है कि मास्क कास्क पे तो कुछ नहीं हुआ, टंकी पे भी कुछ नहीं हुआ, हल्का सा घुस गया, हल्की सी यहाँ है, ये हल्की सी ये घुस गया अंदर मास्क टंकी के, उसमें घुस गया ये मास्क, देख ये टंकी से पूरा चिपक गया ये देख, जबकि इस साइड एक उंगल का गैप है, इस साइड ये देख पूरा मास्क चिपक गया। अरे यार ये इंडिकेटर भी टूट गया, ये वाला देख ये वाला भी, ये टेढ़ा हो गया। बैठे बैठे गांड में उंगली करते तो रहते हैं साले, ये नहीं कि सीधे बैठे रहे चुपचाप। हाँ तो ये यहाँ का पी भी टूट गया इसका, नहीं आधा पी टूट गया, क्योंकि ये मास्क है ना ये टंकी के अंदर, ये देख पूरा घुस गया ये इसके अंदर। क्या यार साला ये मुझे बहुत बेकार लगता है यार, कि पता है अगर आप पता किसी गाड़ी खड़ी है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर बैठो और गाड़ी को गिराओ यार। पूरा मेरी पता पूरी गाड़ी पता डैमेज कर दी, और मेरे गाड़ी से अगर कोई खिलवाड़ करता है ना, मेरे को कसम खुदा कि इतनी गुस्सा आती है ना, मेरे को किसी का कोई का मेरे गाड़ी पर बैठना तक पसंद नहीं है कि कोई अगर टिक के मेरी गाड़ी पर बैठ जाए। मतलब मास्क को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। ठीक है बाकी बातों को रखते हैं साइड में, सब बातें तो होती रहेंगी। अभी चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन खुलने के कोई आसार लग नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या करेगा, देखो हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि उसने इतना सेव करके रखा हो 1-1.5 लाख रुपए कि वो आराम से अपना घर चला ले 2-2 महीना 1-1 महीना, ठीक है ना। कोरोना है नहीं है जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपन अपनी सेफ्टी रखते हैं, ग्लव्स रहता है, ठीक है ना, मास्क रहता है, ठीक है ना। मेरे सर पे तक मेरे पास वो बंधा हुआ था कि मेरे बालों भी कोई कॉन्टैक्ट में ना आए, सर भी कॉन्टैक्ट में ना आए, मास्क पहनते हैं, सामने वाले भी आते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, उनको मास्क पहनाते हैं। अब दिक्कत ये है कि सरकार का लॉकडाउन खोलने का तो कोई कहीं से कहीं तक मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है ना, आसार लग नहीं रहे। सरकार बस लॉकडाउन बढ़ाई जा रही ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। चलो सरकार ने बोला कि हम 500 रुपए खाते में डालेंगे, हम इतने पैसे खाते में डालेंगे, सरकार ये क्यों नहीं सोचती उन लोगों के बारे में कि जो उससे भी नीचे गरीब इंसान है, ठीक है ना, जो बेचारा मजदूरी करता है, उसके पास जिसका खाता भी नहीं है, ठीक है ना। आप ATM में पैसा डाल रहे हो, हर एक इंसान को ATM चलाना नहीं आता है ना। दूसरी बात हर एक मतलब जैसे जो और भी नीचे गरीब है उनके पास तो ATM भी नहीं है, उनका क्या। जैसे मेरे घर के सामने एक आदमी डेली आके बैठता है, तो मेरे घर के सामने वाले या कभी मेरी मम्मी हम लोग उसको खाना देते रहते हैं, मतलब डेली उसे खाना मिलता रहता है, तो फिर उससे और लोग जुड़ गए, वो भी उसके आगे खाना खाने लग गए, क्योंकि भाई देखो भूख ऐसी चीज़ है, शर्म मरम सब चली जाती है, तो वो आके उसके पास में वो भी खाना खाने लग गए कि भैया खाना हो तो हमको भी खिला दो, ठीक है ना। तो वैसी वाली सीन है, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, देखो घर चलाना है ना, तो भले ही लोग भाई ये कहेंगे कि भैया लॉकडाउन में टैटू बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, देखो भाई मेरी फैमिली कंडीशन मैं जानता हूँ, आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन मुझे पता है कि मेरी जैसे मेरी मॉम का इलाज चलता है तो उनकी दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। दूसरा घर में सामान आता है उसका, मम्मी का जो मेरा इलाज चल रहा है, अगर उनको डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाना होता है या कुछ रिपोर्ट करनी होती है, कुछ जाँचें करानी होती है, इसका पैसा सरकार 500 रुपये में हो जाएगा क्या, सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लड़ा के देखो, ठीक है। तो एक टाइम को आपको ये गलत जरूर लगेगा कि यार मैं लॉकडाउन में भी लोगों को टैटू बना रहा हूँ, जबकि लोग बोल रहे हैं कि दूर रहो, ठीक है ना। लेकिन एक बार ये भी सोच के देखो कि सामने वाले को उसका घर भी चलाना है ना, भूखमरी से मरना कोई भी नहीं चाहेगा, तो अपन चला रहे भाई, दुकान चला रहे, बाकायदा चला रहे, और ऊपर वाले की दुआ से चल भी रहे। फाइनली दुकान आ गया है लॉकडाउन में, दुकान तो देखो जरा कैसी लग रही मेरी। ऑलराइट तो भाई सब दुकान आ गए अपन, तो कुछ इस तरीके से अपन टैटू बनाते हैं अपना, दम घुटा घुटा के, शटर बंद रहती है, बहुत दम घुटता है यार, जैसे अभी भी घुट रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं टैटू कंप्लीट करता हूँ फिर बात करता हूँ, बाकी आप दुकान देख लो, बहुत दिनों बाद देख रहे होगे, मिलता हूँ। ऑलराइट तो चलो भाई टैटू कंप्लीट हो गया, जल्दी से फटाक से निकल लेते हैं, शाम हो गई है, लेट हो गए। ये तो ये हेलमेट पहनो, मास्क पहनो, ये पहनो, वो पहनो, सांस ही फूल जाती है यार इंसान की। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अरे टाइम कितना हो गया पहले वो तो बता दूं आपको, देखो मैं कितने बजे आया था वो तो आपको पता ही होगा, जब मैं घर से निकला टाइम दिखाया था, अभी 8 बज रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लगती भाई यार। एक तो ये क्लच नीचे चला गया ना यार, मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है यार। अरे यार अबे क्या हो गया। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है यार, ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया यार मेरी गाड़ी में, इंडिकेटर तो चल रहे हैं, गाड़ी की लाइट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार, शिट। ऑलराइट तो
अगर आपको जो मैंने टैटू बनाया है वो देखना है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप चाहो तो जाके मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हम डालते रहते हैं लेटेस्ट टैटूस हमारे जो बनाए हुए, और अगर आप टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होते हो तो क्या बात है, फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे जाके। मिलता हूँ फिर, मैं घर जाता हूँ जल्दी से फटाफट, फिर आपसे खुशखबरी भी तो दिखाना है ना, तो घर जाता हूँ फिर बात करता हूँ। टाटा बाय। ऑलराइट, तो जिस खुशखबरी की मतलब मैं बात कर रहा था ना, जैसे कि मान के चलो जो नए मेहमानों की बात कर रहा था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रोडी है तो ये रोडी के छोटे छोटे मेहमान है। ऑलराइट, तो टाइम कितना हो रहा है भाई साहब, आज है तारीख 22 मई और टाइम हो रहा है 1:22, और कल का शाम के टाइम पे क्या मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मन नहीं किया, सीधी बात बोलूं मन नहीं किया, तो इसलिए हमने ज्यादा वीडियो बनाया नहीं। अभी भी लाइट नहीं है, सुबह से बिल्कुल भी लाइट नहीं है घर में, और मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने के लिए क्योंकि लाइट नहीं तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं क्योंकि कल का वीडियो अधूरा रह गया होगा। तो बेसिकली हमारे घर में जो नए नन्हे नन्हे मेहमान आए हैं वो आप लोगों के सामने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये हमारे घर के नन्हे नन्हे मेहमान हैं, बेसिकली थे तो ये 6, लेकिन हुआ ये कि जो पहला बच्चा था वो उल्टा पैदा हुआ था, और साथ सेकंड जो बच्चा था ना उसकी जब थैली फटी होगी तो उसके लिक्विड की वजह से पहला वाला जो बच्चा था ना उसके बॉडी में पानी भरा गया होगा, तो वो अनफॉर्चुनेटली मरा हुआ ही निकला था, डेथ निकला था। तो क्योंकि उल्टे बच्चे जो होते हैं उनका दिक्कत ये होती है, अगर मुंडी पहले बाहर आ जाए तो सांस लेने में आसानी होती है, नहीं तो अगर पहले पैर बाहर आते हैं तो फिर मुंडी अंदर अटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वही उसके साथ में हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ, लिटरली मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना मैं बता नहीं सकता कि मेरे हाथ में, वो तो मैं नहीं शेयर करना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर हम लोगों ने जब वो डेड हुआ तो पूरी मतलब हम लोगों ने रुई में उसको लपेट के थोड़ा सा फिर हम लोग जाके उसको गड़ा के लेके आए, मैं तो नहीं, मैं यहाँ पे डिलीवरी करा रहा था। हाँ, और एक और बात, डिलीवरी जो भी भाई मैंने बहुत प्लानिंग करी कि मैं डॉक्टर को बुला लूँगा, मैं इसको बुला लूँगा, उसको बुला लूँगा, लेकिन आखिरकार डिलीवरी मुझे ही करानी पड़ी। नहीं रोडी, हाँ सो जाओ, देखो ये लोट पोट होते रहते थे छोटे। अभी क्या इन लोग की आँख नहीं खुली है ना, तो इन लोग को अरे बेटा क्या घूम रहा तुम, चलो यहाँ पियो। अभी क्या इन लोग की आँख नहीं खुली ना, तो इनको पता नहीं है, देखो ढूंढ रहा है कि कहाँ गया। इसको ले जगह बनाई जाए यहाँ पर, चलो यहाँ पियो। तो ये ऐसे मेरे को करना पड़ता है, थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने बता रहा था मैं डिलीवरी जो है वो मैंने ही कराई, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस देख लिए थे, तो और आप क्या कर सकते हैं, एकदम सडनली टाइम आया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये बच्चे देने वाली, और एकदम से बच्चे देने लग गई, मेरा दिमाग सटक गया, मैं घबरा गया, मैंने क्या करूँ, किसको फ़ोन लगाऊँ भाई, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही थैंक्स टू सरकार लॉकडाउन चल रहा है, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फिर पूरी डिलीवरी मैंने कराई, जब बच्चा पहली बार मेरा हाथ में, मरा हुआ बच्चा हाथ में आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं पता है 6 बच्चों में से 2 मेल हुए थे, बाकी 4 फीमेल हुई थी, और जिसकी डेथ हुई थी वो मेल था, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मेल को लूज़ करना पड़ा। अब हमारे पास सिर्फ एक मेल है जो कि है ये वाला, नहीं ये तो फीमेल है, मेल कहाँ गया, मेल ये वाला जो है ये भाई साहब मेल है, थोड़ा अजीब लगेगा आप बोलोगे कैसी हरकतें कर रहा है, बट ये वाला हमारे पास मेल है, देखो ये दिख रहा है, ये हमारे पास बेसिकली मेल है, बाकी ये सारी की सारी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी हमारे पास है 4 फीमेल और 1 मेल, क्या हमारे पास जो भी बचने वाली हैं वो फीमेल्स बचने वाली हैं, तो अब देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, बट एक खुशी रहती है, बताएं मतलब पहले वो मैं एक्सपीरियंस पता नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, अभी के लिए सिर्फ इतना, क्योंकि मैं अभी बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ, वो तो अभी सो रही है, रोडी अभी सो रही है, इसलिए अपन थोड़ा क्या है बच्चों को बुला दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी नई नई माँ बनी है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो अब करना पड़ता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो रॉटविलर एक ऐसी ब्रीड है जो कि बहुत डेंजरस ब्रीड है, और माँ अपने बच्चों के पास तो भटकने भी नहीं देती है। लॉकडाउन चल रहा है, जितना दान पुण्य कर सकते हो कर लो, आपका ही फायदा है। इसकी आंख नहीं खुली अभी, देखो आंख नहीं खुली अभी, है छोटा सा, अब कितने छोटे हैं भाई, देखो तो जरा सी, कितने छोटे से हैं, और ये छोटे इतने बड़े हो जाएंगे एक दिन, कितने छोटे क्यूट से लगते हैं भाई, देखो आँख नहीं खुली, देखो अभी सी, हेलो चलो दूध पी लिया तुमने, जाओ घूमो फिर, जाओ ऐश करो, जाओ और पीना है क्या, जाओ। तो भाई साहब अपनी बस यही ड्यूटी चल रही है अभी लाइफ में, ऐसा ही आप देखो, मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, एडिट करने की कोशिश करूँगा, इनको दिक्कत ये है कि इनको हर आधे घंटे में, पैसे मैं 1 घंटे में पिलाता हूँ, हर 1 घंटे में इनको दूध पिलाना पड़ता है,
ठीक है, तो इनको यही मेरी प्रोसेस रहती है, यहाँ बैठा रहता हूँ, जो जो पी लेता है उसको उठा के वापस हम लोग बॉक्स में रख देते हैं। और चाहिए देखो, मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने बॉक्स लिया है एक, यहाँ पे बल्ब लगा दिया है गर्मी के लिए, इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। माँ यहीं बैठी रहती है, तो मैं अभी आगे जो हमारे वीडियोज़ आने वाले हैं ना, कुछ थोड़े से डॉग्स से रिलेटेड ही आने वाले हैं, ताकि अगर आप भी अगर पालना चाहते हो तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। अभी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं अभी कर रहा हूँ व्लॉग को बंद, और कुछ नहीं होगा तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अदरवाइज देखते हैं। अरे बाप रे, पसीना तो देखो यार, मैं अभी नहा के आया हूँ, कौन कहेगा कि मैं नहा के आया हूँ।